हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन की जो बड़ी खबरें हैं वो कौन कौन सी रहने वाली हैं और 1 मई के लिए कौन से ट्रिगर हैं वो रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है और साथ में आज मार्केट है वो यहाँ पे क्लोजिंग के ऊपर क्यों गिर गया है ऊपर से, तो उसके पीछे की मेन वजह क्या है, तो ये सारी खबरें इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली हैं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वहां पे आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है। साथ में आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वन बाय वन जो खबरें हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर कल यहाँ पे जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे का मार्केट है वो क्लोज रहने वाला है, ठीक है। और ये क्यों रहने वाला है, क्योंकि 1 मई है और 1 मई को यहाँ पे महाराष्ट्र देव है, महाराष्ट्र जो डे है, ठीक है, महाराष्ट्र जो डे है वो रहने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पे NSE और BSE का जो जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के अंदर ही है, वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है, तो इस वजह से मार्केट है वो क्लोज रहने वाला है। तो एक मेन चीज़ ये है मार्केट को गिरने की, ये चीज़ है, ठीक है। पहले अब ये क्यों है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक वजह से ही नहीं गिरता है, ठीक है, बहुत सारी वजह होती है तब मार्केट गिरता है। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि US फेड की जो मीटिंग है, ठीक है, वो हो रही है और उसका 1 डे है वो ये आज हो गया है और उसका आउटकम है वो 1 मई को आने वाला है, ठीक है, यानी कि कल आने वाला है और कल ये लगभग नाइट के अंदर आएगा। और इसका इम्पैक्ट है वो कब आने वाला है, यानी कि 2 मई को इसका इम्पैक्ट आएगा। और कल अगर यहाँ पे आप देखोगे कि कल 1 मई को अपना मार्केट ओपन होता तो इस वजह से मार्केट है वो नहीं गिरता, ठीक है, क्योंकि कल मार्केट है वो क्लोज है। तो क्लोज मार्केट के अंदर ये न्यूज़ भी आ जाती है 1 मई को, तो यहाँ पे आप देखोगे ये मार्केट के अंदर कल रात में आएगा तो इसका इम्पैक्ट 2 मई को पड़ता, लेकिन मार्केट ओपन रहता तो ये मार्केट के अंदर कल के मार्केट के बाद में ही न्यूज़ आती। तो कल का मार्केट जो आज का मार्केट गिरा है वो इस न्यूज़ की वजह से नहीं गिरता, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट करने थे वो 1 मई को मार्केट करता। तो एक ये चीज़ है, लेकिन अब इसमें आप देखोगे कि देखना होगा कि ये इंटरेस्टेड तो यहाँ पे पोज रहने वाला है, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखना होगा कि जो यहाँ पे गाइडलाइन है, ठीक है, गाइडलाइन है वो क्या देता है। तो ये चीज़ अपने हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट जो रेट है उनका कट है वो किस हिसाब से आता है, ये किस हिसाब से बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। और उसके बाद में इसका इम्पैक्ट है वो मार्केट हमारे को 2 मई है उस दिन बताएगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई जो ट्रिगर भी रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में REC को लेकर के यहाँ पे एक न्यूज भी आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि REC है, ठीक है, एक है REC एक है PFC, ठीक है। ये आप देखोगे कि जो PFC है वो यहाँ पे REC की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि REC का Q4 का जो रिजल्ट है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, Q4 का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा आया है और इसके जो रेवेन्यू है उनके अंदर 25% इंक्रीमेंट हुआ है। तो REC का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। इसी के साथ में आप देखोगे कि इनके CMD हैं वो यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि वो आने वाले टाइम के अंदर 50,000 ई बस, ठीक है, ई बसेज चलाने के लिए उन्होंने क्या किया है, 11 सिटी है, ठीक है, 11 सिटीज को यहाँ पे नोटिफाई किया है, 11 सिटीज को उन्होंने डिकोड किया है, वहाँ पे ये चलाई जाएंगी। लेकिन ये REC क्या करता है, ये फाइनेंसिंग का काम करता है, तो ये एक चीज़ हो गया। तो ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई। यहाँ पे आप इसके अंदर स्विंग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो या फिर इंट्राडे का जो भी प्लान है आपका कर सकते हो। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इस REC के लिए, और PFC भी इसमें आप काउंट कर सकते हो। तो एक ये इन्फॉर्मेशन हो गई। इसी के साथ में जो यहाँ पे थर्ड न्यूज़ है वो रहने वाली है यहाँ पे 1 मई को, ठीक है, 1 मई को और 2 मई को भी आते हैं कई लोग, कई कंपनीज के। तो ये यहाँ पे क्या है, तो आप देखोगे कि जो ऑटो सेल्स के नंबर हैं, ठीक है,
और ये कब के हैं? अप्रैल के आएंगे, ठीक है, अप्रैल कंप्लीट होने वाला है। तो अप्रैल के ऑटो सेल्स के नंबर हैं वो आने वाले हैं, और इनका इम्पैक्ट है वो सेकेंड जो मई है उस दिन मार्केट ओपन होगा तो उस दिन पड़ेगा। तो M&M के लिए, टाटा मोटर के लिए, TVS मोटर, बजाज ऑटो, ठीक है, अशोक लेलैंड, इन सब कंपनीज के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक महीने के अंदर जो अप्रैल का मंथ है उसमें किस प्रकार की इन लोगों ने सेल्स की है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी, ये नंबर जारी होने वाले हैं, ठीक है। इसी के बाद में जो यहाँ पे फिफ्थ जो न्यूज़ है वो है GST कलेक्शन को लेकर के, ठीक है। तो ये अप्रैल का GST कलेक्शन का डेटा है वो जारी होने वाला है। आप देखोगे कि ये मार्च के अंदर जो GST कलेक्शन का डेटा है 1.78 लाख करोड़ के करीबन आया था, और ये जो यहाँ पे येलो कलर के अंदर जो बार है वो करंट जो FY 23-24 जो था उसके यहाँ पे नंबर हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया था। अब इसके ऊपर मान के चलना है कि इससे ज़्यादा कलेक्शन आना चाहिए, तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि किस प्रकार के यहाँ पे कलेक्शन है। ये मार्च का था, अभी एक नया फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से एक देखना होगा कि किस प्रकार के अप्रैल के कलेक्शन आते हैं, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। हाँ, इसके अंदर गिरावट होती है तो एक नेगेटिव होगा, लेकिन यहीं पे कहीं पे रहता है तो ये न्यूट्रल रहेगा और काफ़ी अच्छा आता है, तो ये यहाँ पे मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ रहने वाली है। इसके बाद में यहाँ पे एक लिंडे इंडिया को लेकर के न्यूज़ आ रही है, ठीक है। और लिंडे इंडिया, आप देखोगे कि ऑक्सीजन ज़्यादातर जो गैसेज होती हैं उनको सप्लाई देने वाली कंपनी है, और सेबी ने यहाँ पे जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसको कहा है कि लिंडे इंडिया को इवेल्युएट कीजिए, ठीक है। इसने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो तो नहीं किए। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? या तो इसकी कोई भी पेरेंट कंपनी है, या जो मदर कंपनी या पेरेंट कंपनी आप बोल सकते हो उसके अंदर, ठीक है, या फिर इसकी कोई होल्डिंग कंपनी होगी, उनके बीच के अंदर कोई ट्रांजेक्शन होता है खुद के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, तो वो होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो उनके अंदर हो सकता है कि कुछ वो गड़बड़ करें, तो अगर उसको कुछ लगा है सेबी को तो देखना होगा क्या होता है, लेकिन काफ़ी अच्छी कंपनी है, अब बहुत ज़्यादा चल चुकी है, तो अभी यहाँ पे लेने का मौका नहीं है, देखना होगा कि चार्ट के अंदर क्या है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी खबरें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, और जो न्यूज़ यहाँ पे बाद में निकल के आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इतना जो मैंने आपको बताया है वो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।